आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। जो नाउन को डिफाइन करे वही प्रोनाउन है, ठीक है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ डांसर, राम इज ए डांसर। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, ही इज अ डांसर, ही इज अ डांसर। ओके, अकॉर्डिंग टू यूजेस प्रोनाउन, प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इंटू एट फॉर्म्स। ओके, इंटू एट फॉर्म्स। हम इसको आठ रूपों में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। आप प्रोनाउन आठ प्रकार के होते हैं। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, प्राइड रीड करके। प्राइड, ओके, और रीड, जिसमें ये कैपिटल जितने भी अच्छे हैं उनसे सबसे एक नाउन स्टार्ट होता है। जैसे देखते हैं, पहला, सबसे पहले आता है अपना पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे ये जो पी है ना, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सेकेंड आता है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और नंबर थ्री पे आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर फोर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, नंबर फाइव पे आता है इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। नंबर सिक्स पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। एट्थ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे देखो, पी से आ गया अपना पर्सनल प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव, आई से इंडेफिनिट, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव, ई से एम्पैटिक, आर से रिलेटिव प्रोनाउन, आई से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, एंड डी से डिस्टिंक्टिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको आठ तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। उसको याद रखने के लिए प्राइड, प्राइड रीड, ये आपको एक छोटा सा क्लू काम करेगा, या ट्रिक काम करेगी, या हिंट काम करेगी, जब आप कभी भी प्रोनाउंस को स्टडी करोगे या पढ़ोगे, ठीक है ना। अब बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे और बताएंगे आपको कि पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखते हैं, हेडिंग डालते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर थ्री पर्सन, थ्री पर्सन। अब पर्सन कौन कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ओके। एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ये तीन टाइप के होते हैं। तो इनके सब्जेक्टिव केस, फिर पोजेसिव केस, फिर आता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई एंड वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, इट, दे। ओके, वन,
लाइक दैट। इनके वजह से किसके बनते हैं आई और वी का, इसका इसका माई माइन, ओके वी का आर ऑस, ओके यू का क्या बनता है यू योर्स, ओके यहाँ पे ई का क्या बनता है हिज, सी का हर, ओके और हर्स, और इट का इट्स, दे का देयर्स, वन का वंस, ओके अब इनको ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है, आई का बनेगा मी, यू का बनेगा अस, यू का यू हो जाएगा, इसका हो जाएगा हिम, हर, इट, देम, वन, लाइक दैट। इस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस आपने ये देख लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ओके एंड थर्ड पर्सन, ठीक, कहीं कोई दिक्कत तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं कि हम इसमें कुछ फैक्ट हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जैसे कि फैक्ट हेडिंग डालो एक फैक्ट। अब इनमें फैक्ट की बात करते हैं, ओके फैक्ट में बात आती है क्या, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड अरेंज इन टू टू थ्री वन ऑर्डर, ओके फैक्ट देखते हैं, इफ डिफरेंट काइंड of persons come together or arranged into 21 2 3 1 orders. Example like Ram and I were going to Delhi. Ram, okay, I and you were going to Delhi, okay, and you, Ram, and I were going to Delhi, okay. तो ये 2-3-1 का ऑर्डर है ना, ये 2-3-1 मतलब क्या, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट। तो इस टाइप के अगर आपको मतलब पर्सन्स का ऑर्डर मिले, जैसे कि राम हो गया थर्ड पर्सन, आई हो गया राम हो गया थर्ड, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, ओके ऐसे ऑर्डर हमेशा सेंटेंस गलत होता है। सही क्या हो गया इसका, जैसे यू सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर ये आई पर्सन। इफ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन कैन, ये लिखा ना, डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन कम टुगेदर आर अरेंज इन टू 2-3-1 ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी पर्सन आ जाते हैं डिफरेंट काइंड के, उसमें 2-3-1 का ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है ना, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, देन फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी का इसमें नेक्स्ट क्या होगा, इसमें नेक्स्ट क्या होगा, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन कम टुगेदर एंड दे डू एन इलीगल वर्क, ठीक है ना, इन अ सेंटेंस, तब वो 1-2-3 के ऑर्डर में होंगे। एक फैक्ट तो ये हो गया, एंड सेकेंड फैक्ट, इफ different kind of person come together and work an illegal, then the order will be 1-2-3, okay, like example we can look the example, like you, I and Ram were going to kill Raju, okay, and हमने क्या बोला, जब कोई इलीगल काम करने जा रहा है तो इनका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन इसमें क्या है, I, you and Ram, ये होगा सही सेंटेंस, were going to kill Raju, ओके ये वाला गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर का विशेष का ध्यान देना है इन सेंटेंसों में, ओके बिना ऑर्डर्स इट कैन बी नॉट राइट, ओके तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। नाउ वी लुक एट नेक्स्ट फैक्ट, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, इफ
डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन कम टुगेदर, कम टुगेदर, कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन दैम, गेट देयर कंबाइंड पोजिशन बाई योर, कंबाइंड पोजिशन पोजिशन बाई योर, देन एग्जाम्पल वॉट विल बी एग्जाम्पल, यू एंड राम हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, ओके, देन यू एंड राम हैव कंप्लीटेड योर टास्क, ओके, तो ये गलत है, ये सही है, ओके, इसमें क्या है, जब कोई डिफरेंट टाइम के पर्सन साथ में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन दैम, गेट देयर कंबाइंड पोजिशन बाई योर, ओके, जैसे कि यू एंड राम हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, ओके, तो यू एंड राम हैव कंप्लीटेड योर टास्क, ठीक है ना, तो यू का जो पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजिशन यूज होगा, दैट इज इट. अब नाउ इसमें देखते हैं यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, जनरली इट कम्स टू डिनोट ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा जनरली ये यूज होता है, जनरली इट कम्स टू डिनोट अ सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, एग्जाम्पल आई हैव अ पेन इट्स रन्स वेरी वेल, आई हैव अ पेन इट रन्स वेरी वेल, ओके, इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल, इट्स कम्स टू डिनोट एन एनिमल, एन एनिमल, ओके, लाइक दैट, एंड इट कम्स टू डिनोट ए लिटिल बेबी, ओके, इट कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पैथिक इवेंट, ओके, लाइक दैट, तो ये इट के यूज हैं. एक और है इसका, इट कम्स टू, इट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट, प्री स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, ओके, गॉट इट, Now we can see the reflexive pronoun. Okay. What is the reflexive pronoun? Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. A word used at the place of noun. A word used. A word used at the place of noun that reflect the work of subject to the subject is called reflexive pronoun. Okay. For example,
माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ईटीसी। ओके, नाउ वी कैन सी द फैक्ट। अब हम इसके फैक्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, व्हाट इज द फैक्ट? ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउंस गेट इट्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्स। ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव नाउन, पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म। ओके, आई माई सेल्फ, ओके, वी आर सेल्फ, योर सेल्फ, ओके, ही हिमसेल्फ, ओके, सी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, ओके, दे देमसेल्फ, वन वन सेल्फ। ओके, एक और फैक्ट देख लो इसमें, इट शोज हिंदी मीनिंग। ओके, इट शोज हिंदी मीनिंग, इट शोज हिंदी मीनिंग, लाइक खुद को, ओके, खुद को, स्वयं को, अपने आप को, स्वतः को, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही चीट्स माई सेल्फ एवरी टाइम, एवरी टाइम। ओके, ही चीट्स himself every time. Okay, Ram and myself can do this work. Okay, Ram and I can do this work. Okay, तो इसमें माई सेल्फ लगा है। माई सेल्फ तो नहीं आएगा, माई सेल्फ कहाँ पे आता है? जब मतलब आई का यूज़ किया जाता है वहाँ पे माई सेल्फ आता है, आई का माई। ओके, हिम सेल्फ, यहाँ पे भी हिज आएगा, राम एंड आई, आई कैन डू दिस वर्क, लाइक दैट। ठीक है ना, आप आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो। कौन सा इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन? ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन that shows the noun is indefinite. Way is called indefinite pronoun. Okay, for example, all, some, most, many, much, few, little, etc. etc. ओके, तो इसको अगर हिंदी में समझाएं तो जो कि एक
वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ होता है वो नाउन को एक इंडेफिनिट वे में शो करता है, ठीक है ना। तो इसको अपन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ऑल ऑल का कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है, इंडेफिनिट। सम सम का कोई मेजरमेंट नहीं, इंडेफिनिट। मच मतलब इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर थोड़े से फैक्ट लिख लेता जो कि आपके काम आ सकता है। फैक्ट नंबर वन इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन गेट्स अ प्लुरल फॉर्मेशन। ओके, एंड यूजेस प्लुरल वर्ब, प्लुरल प्लुरल वर्ब, ओके, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इज लेबोरियस इन माई क्लास। Most of students is laborious in my class. Okay. Most of student are laborious in my class. Okay. तो यहाँ पे जो सिंगुलर है वो प्लूरल बन गया, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उसकी जो एज है उसको आर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये प्लूरल जो प्लूरल फॉर्म को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड इट्स कम्स फॉर एन अनकाउंटेबल नाउन, इट्स गेट सिंगुलर फॉर्मेशन एंड सिंगुलर वर्ब। अगर अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए सिंगुलर का काम करता है, उल्टा कर देता है, ठीक है ना। इफ इट कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन नाउन, ओके, अनकाउंटेबल नाउन, इट गेट सिंगुलर वर्ब, इट गेट्स अ सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूजेस सिंगुलर वर्ब। ओके, समझे यहाँ तक। तो प्रोनाउन को हम दो पार्ट में खत्म करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो जितना ज़्यादा रीच होगा उतना ज़्यादा आपको सुनने में समझने में एक मज़ा आएगा, अच्छा डिस्कशन होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई हो रही है, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है प्लीज़ आस्क योर डाउट इन माई कमेंट सेक्शन, ऑलवेज वेलकम, ओके। आपके डाउट का हमेशा वेलकम है, आप जो भी पूछें आपको बताया जाएगा, बहुत दम से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ट्रूली प्रेप पर, ये ट्रूली प्रेप आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेके आएगा और उस पर काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके लेके आएंगे, जो कि हम बताएंगे। आगे भी हमारा कुछ नया प्लान है, जैसे कि मतलब जनरल अवेयरनेस और जीके पे काफ़ी वर्क करना है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे लेक्चर आने वाले हैं। तो आप बस जुड़े रहिए, जिससे कि हमको लगेगा कि हाँ लोगों को एक मोटिवेशन या उनको एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे हम बनाने में थोड़ा सा हमको खुद को मोटिवेशन आएगा। वैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बट आपका इंटरेस्ट शो होगा तो हमको और खुशी होगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर आएगा तो आपको उसको देखने के लिए मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसके थ्रू आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।